प्रोसेसर को अपनाने का शुक्रिया। हम आपको बता दें कि बॉस फूड प्रोसेसर को अपनाने का आपका फैसला बिल्कुल सही है। हम आपको गारंटी देते हैं कि ये आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा आसान बना देगा, क्योंकि रसोई घर में खाना बनाते समय इसकी तैयारी के लिए आप घंटों का समय सब्जी काटना या आदि काम में लगा देते हैं, पर ये आपके किचन के घंटों का काम चुटकियों में कर देता है। बॉस फूड प्रोसेसर इस्तेमाल करने का तरीका। इस्तेमाल करने से पहले बॉस फूड प्रोसेसर को किसी समांतर जगह पर रखें। बॉस फूड प्रोसेसर के वायर प्लग को दीवार के 230 एसी आउटलेट से कनेक्ट करें। लिक्विडाइजर ड्राइव पर सेफ्टी कवर को बताए गए निशान अनुसार लॉक करें। प्रोसेसिंग बाउल को प्रोसेसिंग ड्राइव शाफ्ट पर बताए गए निशान अनुसार रखें और लॉक करने के लिए प्रोसेसिंग बाउल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ध्यान रखें कि प्रोसेसिंग बाउल और बेसिक मोटर यूनिट आपस में सही तरह से जुड़े हुए हों। जिस खाने की सामग्री को आप प्रोसेस करना चाहते हैं, उसे प्रोसेसिंग बाउल में डालें। ऑन ऑफ स्विच का प्रयोग करके प्रोसेसर को चलाएं। खाने की सामग्री को आप मशीन के चलते भी फीडर ट्यूब के द्वारा प्रोसेसिंग बाउल में डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि फूड प्रोसेसर को चलाने के लिए ये जरूरी है कि प्रोसेसिंग बाउल का कवर सही तरह से लगाया गया हो। प्रोसेसिंग बाउल के इस्तेमाल से पहले जांच लें सेफ्टी कवर लिक्विडाइजर ड्राइव पर ठीक तरह से लॉक है या नहीं, नहीं तो आपका फूड प्रोसेसर काम नहीं करेगा। और हाँ, प्रोसेसिंग बाउल और लिक्विडाइजर जार का इस्तेमाल एक साथ ना करें। ब्लेड इस्तेमाल करने का तरीका। आपके जरूरत के अनुसार से सही ब्लेड चुनें, जैसे स्टेनलेस स्टील चॉपिंग ब्लेड का इस्तेमाल काटने, पीसने, छोटे बारीक टुकड़े करने और चॉपिंग करने के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक एस आकार के ब्लेड का इस्तेमाल आटा गूंदने, बटाना छीलने और चर्नी के लिए भी कर सकते हैं। बटर ब्लेड का इस्तेमाल लस्सी, बटर और केक क्रीम बनाने के लिए कर सकते हैं। चॉपिंग ब्लेड को प्रोसेसिंग बाउल में ड्राई शाफ्ट पर रखें। उसे सही तरह से नीचे की तरफ धकेलें ताकि वो ठीक से ड्राइव शाफ्ट के साथ फिक्स हो जाए। प्रोसेसिंग कवर को बाउल के ऊपर बताए गए निशान अनुसार लगाएं और लॉक करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। खाने की सामग्री जैसे कैबेज को चॉपिंग करने के लिए कैबेज के छोटे टुकड़े प्रोसेसिंग बाउल में डालें। फूड प्रोसेसर को फर्स्ट स्पीड पर चलाएं और कुछ ही सेकंड में बारीक चॉपिंग तैयार। आटा गूंदने के लिए प्लास्टिक एस आकार की ब्लेड को प्रोसेसिंग बाउल में ड्राइव शाफ्ट पर रखें। उसे सही तरह से नीचे की तरफ धकेलें ताकि वह ठीक से ड्राइव शाफ्ट के साथ फिक्स हो जाए। अब आप 250 ग्राम आटा प्रोसेसिंग बाउल में डालें, जूस कवर बाउल के ऊपर बताए गए निशान अनुसार लगाएं और लॉक करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फूड प्रोसेसर को फर्स्ट स्पीड पर चलाएं और जरूरत अनुसार पानी और तेल डालें और कुछ ही सेकंड में भुना हुआ आटा तैयार। और हाँ, आप इस ब्लेड से गेहूँ, चावल, ज्वार और बाजरा का आटा भी गूंद सकते हैं।
प्रोसेसर के ट्विन फीडर ट्यूब के द्वारा आप अलग अलग आकार की सब्जियों को प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें विशेष प्रकार का वेजिटेबल रिटेनर लगा है, जिससे सब्जी फीडर ट्यूब से बाहर निकल जाने का डर नहीं रहता। सब्जी के आकार के अनुसार सही फीडर ट्यूब का इस्तेमाल करें। डिस्क इस्तेमाल करने का तरीका, डिस्क को डिस्क होल्डर के साथ अटैच करें और प्रोसेसिंग बाउल में ड्राइव शाफ्ट पर रख कर नीचे की तरफ ढकेलें। बाद में प्रोसेसिंग बाउल कवर बाउल पर एंटी क्लॉकवाइज लॉक करें। अब प्रोसेस करने की सामग्री फीडर ट्यूब द्वारा बाउल में डालें और फूड प्रोसेसर फर्स्ट स्पीड पर स्टार्ट करें। फिंगर चिप्स बनाने के लिए फिंगर चिप्स डिस्क का इस्तेमाल करें। बनाना और ककड़ी का स्लाइस बनाने के लिए स्लाइसिंग डिस्क का इस्तेमाल करें। दूधी का हलवा और अन्य सब्जी की श्रेडिंग करने के लिए श्रेडिंग डिस्क का इस्तेमाल करें। कोकोनट ग्रेटिंग और आइस गोला के लिए कोकोनट ग्रेटिंग डिस्क का इस्तेमाल करें। सेंट्रीफ्यूगल जूसर इस्तेमाल करने का तरीका, फिल्टर मेश को जूसर बॉडी के अंदर बताए गए निशान अनुसार लॉक करें। अब इसे बाउल में ड्राइव शाफ्ट के ऊपर रख कर नीचे की तरफ ढकेलें। जूसर के कवर को प्रोसेसिंग बाउल के ऊपर बताए गए निशान अनुसार एंटी क्लॉकवाइज लॉक करें। सेंट्रीफ्यूगल जूसर का इस्तेमाल करते समय फूड प्रोसेसर को फर्स्ट स्पीड पर रखें, पुशर द्वारा उसे नीचे की तरफ ढकेलें। इससे जूस प्रोसेसिंग बाउल में जमा हो जाएगा और पल्प फिल्टर मेश के चारों तरफ रह जाएगा। और हाँ, इस जूसर अटैचमेंट द्वारा ताजे फलों का जूस और सब्जियों का जूस भी निकाल सकते हैं, जैसे दूधी, करेला, पालक, आंवला और भी बहुत कुछ। सिट्रस जूसर का इस्तेमाल, स्लीव गियर को फूड प्रोसेसर ड्राइव शाफ्ट के ऊपर रखें। सिट्रस फिल्टर को प्रोसेसर बाउल के ऊपर लॉक करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। शंकु आकार के कोन को फिल्टर बॉडी के गाइड बुश पर रखें। फूड प्रोसेसर यूनिट को फर्स्ट स्पीड पर स्टार्ट करें। दो हिस्सों में कटे हुए ऑरेंज या मौसम्बी के टुकड़े को शंकु के आकार के कोन पर हाथ से दबा कर रखें। कुछ ही सेकंड में ताजा जूस बाउल में जमा हो जाएगा और पल्प और बीज फिल्टर जाली पर रह जाएंगे। लिक्विडाइजर जूस जार इस्तेमाल करने का तरीका, ध्यान रहे, किसी भी जार के इस्तेमाल से पहले जांच लें कि प्रोसेसिंग बाउल और उसका कवर ड्राइव शाफ्ट पर ठीक तरह से लॉक है या नहीं, नहीं तो आपका फूड प्रोसेसर काम नहीं करेगा। लिक्विडाइजर जूस जार का इस्तेमाल करने के लिए सेफ्टी कवर को निकाल कर उसकी जगह पर लगाएं और लॉक करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और कटे हुए फ्रूट जार में डालें। आपकी जरूरत के अनुसार दूध और पानी भी मिक्स कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर को फर्स्ट स्पीड पर चलाएं और कुछ ही सेकंड में फ्रूट मिल्कशेक तैयार। और हाँ, आप इस जार द्वारा ताजा फ्रूट जूस, कोल्ड कॉफी और मिल्क शेक बना सकते हैं। ड्राई कम वेट मल्टीपर्पज जार का इस्तेमाल, इस जार का इस्तेमाल आप सूखी हल्दी, मिर्ची और ड्राई मसाला पीसने के लिए कर सकते हैं। और इस जार की मल्टीपर्पज ब्लेड के कारण इसमें आप इडली, ढोकला का पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। चटनी जार का इस्तेमाल, इस जार का इस्तेमाल आप हरी चटनी, कोकोनट चटनी, टी मसाला पाउडर पीसने के लिए कर सकते हैं। इस जार की मल्टीपर्पज ब्लेड के कारण इसमें आप ड्राई और वेट दोनों प्रकार की चटनी बना सकते हैं।
ओवरलोड सुरक्षा, आपके बॉस फूड प्रोसेसर की मोटर को जलने से बचाने के लिए बॉस फूड प्रोसेसर की बेस प्लेट पर विशेष प्रकार का रेड कलर का सर्किट ब्रेकर लगा है। अगर ज्यादा लोड के कारण कभी मोटर बंद हो जाए तो तुरंत प्रोसेसर का स्विच ऑफ करें। इसके बाद जार के अंदर की अधिक सामग्री निकालें और 2 से 3 मिनट तक प्रोसेसर की मोटर को ठंडा होने दें। बाद में आप अपने मशीन के ओवरलोड सर्किट ब्रेकर के रेड बटन को दबाएं और फूड प्रोसेसर को फिर से स्टार्ट करें। बाउल, प्लेट्स, बाउल कवर और पुशर को साफ करने का तरीका। पहले फूड प्रोसेसर के वायर प्लग को मेन स्विच आउटलेट से बाहर निकालें। पुशर बाउल और उसका कवर निकालें और डिस्क होल्डर से ब्लेड्स, डिस्क को अलग करें। बाउल, उसके कवर और पुशर को पानी से साफ करें। तेल की चिकनाई दूर करने के लिए साबुन पानी का इस्तेमाल करें। साफ करने के लिए कभी भी गर्म पानी या मेटल नायलन ब्रश का इस्तेमाल न करें। डिस्क को डिस्क ड्राइव से अलग करें। ब्लेड्स, डिस्क को पानी से साफ करें। इन्हें साफ करते समय इनके नोकीले धार से सावधान रहें। अगर मशीन का इस्तेमाल ज्यादा दिन तक ना होना हो तो ब्लेड की धार पर खाने का तेल लगाएं। लिक्विडाइजर, ड्राई ग्राइंडर जार और चटनी जार साफ करने का तरीका। पहले थोड़ा सा लिक्विड सोप या साबुन का पानी लिक्विडाइजर, ड्राई जार और चटनी जार में डालें और जार का ढक्कन बंद करें। फिर जार को मोटर यूनिट पर रखकर फर्स्ट स्पीड पर कुछ सेकंड्स के लिए चलाएं। उसके बाद साबुन के पानी को बाहर निकाल के सादे पानी से उसे साफ करें। आपके बॉस फूड प्रोसेसर की सुरक्षा। बॉस फूड प्रोसेसर को कपड़े या प्लास्टिक शीट के ऊपर कभी रखकर ना चलाएं। कभी भी बॉस फूड प्रोसेसर को खाली ना चलाएं। बच्चों की सुरक्षा के लिए उनको बॉस फूड प्रोसेसर के इस्तेमाल से दूर रखें। ड्राइव शाफ्ट के चलने के समय कोई भी ब्लेड या जार को लगाने या अलग करने की कोशिश न करें। खाने की सामग्री को उंगली या चम्मच से फीडर ट्यूब के अंदर ढकेलने की कोशिश न करें। बेसिक यूनिट को कभी भी पानी में न डालें। हमेशा ब्लेड या डिस्क को पहले निकालें और फिर प्रोसेसिंग बाउल से प्रोसेस की गई खाने की सामग्री को निकालें। ब्लेड्स और डिस्क के धार बहुत तेज हैं। सुरक्षा के लिए हमेशा उसे सावधानी से इस्तेमाल करें। बाउल या जार के चारों तरफ से खाने की सामग्री को मिक्स करने के लिए सिर्फ दिए गए स्पैटुला का इस्तेमाल करें। अगर आपको कभी भी किसी तरह के धुएं या जलने की बदबू का संकेत मिले तो मशीन को तुरंत बंद करें। कभी अपने बॉस फूड प्रोसेसर को खुद रिपेयर करने की कोशिश ना करें। उसे नजदीकी बॉस सर्विस सेंटर पर ले जाएं। तो अब देर किस बात की? अपने मनपसंद पकवान और जूसेस चुटकियों में बॉस फूड प्रोसेसर द्वारा आसानी से बनाएं और देखें कैसे बॉस होम अप्लायंसेस आपकी जिंदगी आसान बना देगा। बॉस फूड प्रोसेसर आता है 12 अटैचमेंट्स के साथ और साथ ही 5 साल की मोटर वारंटी। आपके जरूरत अनुसार बॉस फूड प्रोसेसर का परिणाम पाने के लिए निर्देश पुस्तिका ध्यान पूर्वक पढ़ें। गुड लक एंड हेल्दी लाइफ। बॉस होम अप्लायंसेस जिंदगी आसान बना दे।